दोस्तों संस्कृति यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, संस्कृति यूनिवर्सिटी उन्हीं यूनिवर्सिटीज में से एक है जितनी यूनिवर्सिटीज चलती हैं टोटल यूपी में। जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया, अभी तक मतलब 2022 का एंड चल रहा है, टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दिखाता है यूजीसी अपनी वेबसाइट पर। और जो संस्कृति यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी मथुरा में स्थित है, मतलब यूपी में यूनिवर्सिटी बनी हुई है। जैसे और यूनिवर्सिटीज चलती हैं दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हालांकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आप बहुत विशाल कैंपस देखेंगे, बहुत बड़े बड़े कैंपस देखेंगे, पर स्टूडेंट्स के नाम पर इतने सारे स्टूडेंट्स है नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर। और साथ में दूसरी और बात करें, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल बहुत सारे होते हैं, कोर्सेज बहुत सारे यूनिवर्सिटी चला रही होती है, हॉस्टल यूनिवर्सिटी के पास होता है, यूनिवर्सिटी के बहुत ज्यादा खर्चे भी होते हैं। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से तो अप्रूवल्स हैं, यूनिवर्सिटी यूजीसी पर कहां आप देख पाएंगे, कोर्सेज यूनिवर्सिटी कौन कौन से चलाती है, साथ में ही कैसे आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर पाए, कैसे आप यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपने हमसे पूछे थे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर, या हमें जो व्हाट्सएप किए कि हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या ना लें, उन सभी सवालों के आज जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। संस्कृति यूनिवर्सिटी पर यह वीडियो है, ज्यादा कुछ जानने के लिए संस्कृति यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटीज को आप सर्च करते हैं हमारे चैनल पर, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज की वीडियोस अवेलेबल है, कॉलेजेस की जो वीडियोस है वो अवेलेबल है, इंटरनेशनल जो कॉलेजेस या कोर्सेज हैं उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर आप देख पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ एक लौता ऐसा एजुकेशनल चैनल है जहां आपको एजुकेशन से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को रिव्यू किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जरूर 10 में से कितने आप रैंक देना चाहोगे, कितने नंबर देना चाहोगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और साथ ही इसी यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सा नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं, किस कोर्स किस अप्रूवल पर या क्या जानना चाहते हैं, उसका भी इंतजार रहेगा। सबसे पहले संस्कृति यूनिवर्सिटी पर चलने से पहले तो आप ये समझ लीजिए यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है। दोस्तों संस्कृति यूनिवर्सिटी के एड्रेस की हम अगर बात करें, जैसा मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, मथुरा में यूनिवर्सिटी ये बनी हुई है। आप कैसे पहुंचेंगे इस यूनिवर्सिटी को, दोस्तों आसान तरीका तो ये समझ लीजिए, आप किसी भी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो दिल्ली के लिए आपको फ्लाइट लेनी चाहिए, और अगर आप जाते हैं ट्रेन से तो डायरेक्ट मथुरा के लिए आपको ट्रेन लेनी चाहिए। हालांकि आसपास में छोटे छोटे रेलवे स्टेशन आपको मिल जाएंगे जहां के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं, बाय बस भी आप यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी जब बनती है, बनने से पहले यूनिवर्सिटी का यूजीसी पर लिस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड नहीं है या यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। यूजीसी एक्ट 1956 का जो एक्ट है वो यही बोलता है, सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी इस सेक्शन के तहत यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं। दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा हैं, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटियों से, यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें, विवेक से काम लें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हवाले से एडमिशन कभी भी ना लें, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है किसी तरह का, ये भी हो सकता है एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। जैसे और यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं यूजीसी की साइट पर, वैसे ही ये यूनिवर्सिटीज भी लिस्टेड होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनके एडवर्टीजमेंट्स को देख के, बहुत बड़े कैंपस को देखकर आप ये अनुमान बिल्कुल ना लगाएं कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती होगी, आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट जरूर करना चाहिए। यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर आप चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जाइए यूजीसी की वेबसाइट पर www.ugc.ac.in। जैसे आप डालेंगे जो इंटरफेस खुलता है यूनिवर्सिटी का, वहां पर है यूनिवर्सिटीज का एक कॉलम, यूनिवर्सिटीज के टैब पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम से लिखा है वहां आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आएगा, मतलब सभी स्टेट्स की लिस्ट खुल जाएगी, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आएगा, उत्तर प्रदेश जैसे आप क्लिक करेंगे यहां यूजीसी पर जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश में सबकी लिस्ट खुल जाएगी। टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से कई सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, आप इस चैनल के माध्यम से उन वीडियोस को आप देख सकते हैं।
कहां आप देखेंगे संस्कृति यूनिवर्सिटी को, मतलब कि आप जैसे जाते हैं इन 32 यूनिवर्सिटीज में संस्कृति यूनिवर्सिटी कहां पाएंगे? 24वें नंबर पर आप देखेंगे संस्कृति यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स अपडेट है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए यूजीसी की साइट पर आपको देखना चाहिए, यहाँ पर www.sanskriti.edu.in ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूनिवर्सिटी 16/9/2016 से यूनिवर्सिटी चल रही है ये, तो यूनिवर्सिटी को आज की डेट में देखें लगभग 6-7 साल यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं अभी तक एडमिशन लेते हुए। और साथ में ही आप अगर यहाँ मोर डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डिटेल आपको किसकी मिलती है, वाइस चांसलर साहब की मिलती है, रजिस्ट्रार साहब की डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। कौन है इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो है डॉक्टर तन्मय गोस्वामी, और बात करें रजिस्ट्रार साहब की वो है पूरन सिंह। ये है यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार साहब, और वी साहब की डिटेल जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पर उनका फोन नंबर और मेल आईडी भी अपडेट है। कोई किस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ है, आप पढ़ते हैं इस यूनिवर्सिटी में या फिर यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपके साथ हो रही है, सीधा आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के बाकी और भी बहुत सारे स्टाफ होते हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो दोस्तों, यूजीसी के बाद में और भी कई सारे अप्रूवल लेती है, क्योंकि जो काउंसिल कोर्सेज होते हैं, काउंसिल कोर्सेज बहुत सारे हैं। कौन से कोर्सेज? डीएड, बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी, एलएलबी, बीफार्मा, डीफार्मा, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ऐसे बहुत सारे दोस्तों कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज को कराने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी को एडिशनली मतलब दूसरे अप्रूवल्स लेने होते हैं दूसरी काउंसिल बॉडीज से। जैसे कि बार काउंसिल अप्रूवल देता है आपको एलएलबी चलाने का, पीसी अप्रूवल देगा आपको फार्मेसी चलाने का, उस तरह से आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल देगा आपको बीएससी नर्सिंग चलाने का। ये तो बात ठीक है, पर इस यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं आप पहले उनको आप देख लीजिए। कोई भी यूनिवर्सिटीज के पास जो भी अप्रूवल्स होते हैं, जो कोर्स चलाते हैं, वो स्कूल के नाम से या फैकल्टी के नाम से उसको एक नाम दे देते हैं। जैसे कि इस यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि जितने भी कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा, मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीटेक करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो, उसके लिए एआईसीटी का अप्रूवल चाहिए होता है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले संस्कृति यूनिवर्सिटी हो या कोई भी हो, मैं हमेशा आपको बोलता हूं आसपास की यूनिवर्सिटियों से यूनिवर्सिटी को कंपेयर जरूर करें, ऐसे ही एडमिशन ना लें। मैं आपको बता दूं हम बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज पर वीडियो बना चुके हैं जो 100% फ्री स्कॉलरशिप, मतलब पूरी तरह से फीस को वेव ऑफ कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल और मेस की फीस देनी होती है। ऐसी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो डिस्काउंट देते हैं, 50% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 70% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हालांकि ये यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप देती है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे हम लोग। पहले जान लें कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास है। साथ में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कोर्सेज कराती है, स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ये कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, मतलब एमबीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, एमकॉम करना चाहते हो, कर सकते हो आप यहाँ से, वो कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है। जैसे कि दोस्तों स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन का मतलब यूनिवर्सिटी बीएड कराती है, एमएड, ऐसे कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है एनसीटी का अप्रूवल लेकर। अगर यूनिवर्सिटी के पास एनसीटी का अप्रूवल नहीं है तो वही यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज को नहीं करा सकती। साथ में स्कूल ऑफ फैशन डिजाइनिंग, दोस्तों बी डैश एक कोर्स होता है या बी डिजाइनिंग जो कोर्स होता है, इसकी भी हालांकि इतनी डिमांड नहीं है बट बहुत अच्छा एक कोर्स होता है, उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैनल पर। साथ में है स्कूल ऑफ रिहैबिलिटेशन। दोस्तों रिहैबिलिटेशन क्या होता है आप इसको पहले आप समझिए। जितने भी स्पेशल एजुकेशन में स्टूडेंट्स एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है, बीएड स्पेशल एजुकेशन पर डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, किन किन स्ट्रीम्स में होता है उस पर भी वीडियो बनाई है हमने। दोस्तों क्या होता है रिहैबिलिटेशन और किस तरह से ये काम करता है उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, साथ में संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसके बारे में बहुत स्टूडेंट्स हमसे क्वेरी करते हैं कि हम संस्कृति यूनिवर्सिटी में BAMS में एडमिशन लें या ना लें, यूनिवर्सिटी कैसी है। दोस्तों यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी मेंशन करती है यहां पर, एडमिशन लेना ना लेना वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी विजिट करो, बिना विजिट करे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो ही मत, आसपास की यूनिवर्सिटी से उसे कंपेयर करो, और साथ में विजिट करने के बाद में देखो जो क्लास चलती है जिस कोर्स में आप एडमिशन लेते हो उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो स्टूडेंट्स क्या सेटिस्फाई हैं यूनिवर्सिटी से। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसमें एडमिशन बिल्कुल ना लें, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हॉस्टल देखें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास तो हॉस्टल ही नहीं है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यूनिवर्सिटीज के साथ में, वो इसको रिफॉर्म करती नहीं है। साथ में ही यहाँ पे मेंशन है संस्कृति यूनानी मेडिकल, मतलब कि आप जो BUMS कोर्स करते हैं उस पर भी BAMS, BUMS, BHMS, BDS, BNYS, MBBS सब पर वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पर। जैसे मैंने आपको बताया था हमारा सिर्फ ये एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल वीडियोस ही आपको इसमें मिलेंगी। स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च,
आप बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी में ये फार्मेसी की कोर्सेज करवाती है यूनिवर्सिटी। स्कूल ऑफ नर्सिंग INC का अप्रूवल चाहिए होता है इसके लिए, मतलब कि आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। NMGN भी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। साथ में ही इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, स्कूल ऑफ मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज, साथ में स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, जो मैंने अभी आपको बताया BNYS, ये इसी कोर्स की बात हो रही है। पर स्कूल ऑफ लॉ LLB करने के लिए चाहिए होता है BCI का अप्रूवल, बताया मैंने आपको। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, ये भी कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है। अब अप्रूवल की हम बात करें ये दोस्तों, तो हालांकि हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल वीडियो अप्रूवल्स पर लेकर आएंगे, जरूर बताएंगे आपको कौन कौन से अप्रूवल्स हैं इस यूनिवर्सिटी के पास, और कोर्सेज पर भी डिटेल वीडियो लेकर आएंगे कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, काफी कोर्स के बारे में हालांकि मैंने बताया आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आप किसी भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल आप वीडियो चाहते हैं, या आप चाहते हैं किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर ले सकते हैं जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया, और उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां से आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी कोर्सेज जो चलते हैं हमारे देश में, या फिर आप अब्रॉड से कोई कोर्स करना चाहते हैं, सभी सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज की डिटेल आपको काउंसलिंग इंडिया चैनल पर मिलेगी, और जितने भी तरह के कोर्सेज चलते हैं भारत में या अब्रॉड में, उन सभी की डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अभी जाकर काउंसलिंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ यूनिवर्सिटी इंडिया चैनल पर आपको सभी तरह की यूनिवर्सिटीज, चाहे वो अपने देश में चलती हो, अब्रॉड में चलती हो, कॉलेजेस कोई भी चलते हो देश में या अब्रॉड में, या फिर कोई भी जो बोर्ड चलते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी इंडिया चैनल से बिल्कुल मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी में जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं, एडमिशन बिल्कुल ना लें, यूनिवर्सिटी विजिट करें, आसपास की यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें, फीस कंपेयर करें, कोई भी किसी भी तरह की मदद आप चाहते हैं, फीस में स्कॉलरशिप चाहते हैं, दूसरी बहुत सारी यूनिवर्सिटी फ्री एजुकेशन भी देती है, वहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं, अप्रूवल्स को कंपेयर करें, यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको आप कंपेयर करें, तभी कोई डिसीजन लें। ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, चाहे फिर वो संस्कृति यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो। हमने एक आपको रिव्यू दिया है, आप कितने मार्क्स देंगे इस यूनिवर्सिटी को आउट ऑफ 10, आप मार्क्स देना, और साथ में बताना कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए संस्कृति यूनिवर्सिटी के बारे में, आप और क्या जानना चाहते हो। बहुत जल्द हम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, आपको बताएंगे दिल्ली से आप संस्कृति यूनिवर्सिटी आप कैसे पहुंच सकते हैं, साथ में ही यूनिवर्सिटी का 2022 का और 2023 का दोनों प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी से मंगाएंगे, कंपेयर करेंगे, आपको बताएंगे कौन से नए अप्रूवल्स आए हैं या क्या नई अचीवमेंट्स इस यूनिवर्सिटी को मिली है। दोस्तों जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो UGC जब किसी को रिकॉग्नाइज करती है तो वहां पर वो यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UGPG कोर्सेज और PhD एडमिशन ले सकती है, उन्हें किसी दूसरी काउंसिल की जरूरत होती नहीं है, उसी तरह से ये यूनिवर्सिटी भी एडमिशन लेती है। हालांकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हमें NAC एक्रेडिटेशन कहीं नजर आया नहीं, शायद हो सकता है कि NAC का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास ना हो। डिस्टेंस कोर्सेज को चलाने के लिए NAC मैंडेट कर दिया गया है, वो भी एक अलग चीज होती है। दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं सजेशन आप जरूर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, साथ में किस टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं नेक्स्ट हमें आप जरूर बताएं, ताकि हम अपने इस चैनल को और ग्रो कर सके। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।